नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है सोमैटिक सेल फ्यूजन एंड हैट मीडियम। हम लोग डिफरेंट टाइप्स की एनिमल सेल्स को फ्यूज करके हाइब्रिड सेल्स बना सकते हैं। नॉर्मली ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स और माउस सेल लाइंस को फ्यूज करके हाइब्रिड सेल्स बनाई जाती हैं। जब हम इन दो सेल्स को मिक्स करते हैं एक साथ तो स्पॉन्टेनियस सेल फ्यूजन, यानी कि जो अपने आप सेल फ्यूजन होता है, वो बहुत कम रेट में होता है। बट इस रेट को बढ़ाया जाता है दो चीज़ों से। एक है यूवी इनएक्टिवेटेड सेंडे वायरस या एक केमिकल पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के एडिशन से। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो सेल फ्यूजन का रेट बढ़ जाता है और दो सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं, वो फ्यूज़ कर जाती हैं। तो जब दो सेल्स फ्यूज़ करती हैं तो वो हेट्रोकैरियन बनाती हैं। हेट्रोकैरियन में एक सिंगल सेल होगी और उसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे दोनों सेल्स के, और कुछ समय के बाद ये दोनों न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ करके एक हाइब्रिड सेल बनाएंगे। एक हाइब्रिड सेल में एक सिंगल सेल होगी और एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार है, ये ह्यूमन सेल है और ये माउस सेल है। इसको जब हम लोग फ्यूज़ कराएंगे तो हमको दो टाइप्स की सेल्स मिलती हैं, एक हेट्रोकैरियन यानी कि सिंगल सेल में दो न्यूक्लियाई और नॉन हाइब्रिडाइज्ड माउस और ह्यूमन सेल। उसके बाद कुछ समय के बाद ये जो दो न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज़ करके एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाएंगे और इसको हम कहेंगे हाइब्रिड सेल। फ्यूजन के बाद सेल्स को वॉश किया जाता है बफर से और उनको ओवरनाइट सस्पेंड करते हैं एक कंप्लीट मीडियम में, और उसके बाद उनको एक सेलेक्टिव मीडियम पे प्लेट किया जाता है। सेलेक्टिव मीडियम वो मीडियम है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स ही ग्रो करती हैं, बाकी सारी सेल्स मर जाती हैं। और जो सेलेक्टिव मीडियम है वो है हैट मीडियम। हैट मीडियम में तीन चीज़ें होती हैं जिनके कारण इसका ये नाम पड़ा। पहला है हाइपोजैंथिन, दूसरा है अमीनोप्टेरिन और तीसरा है थाइमिडीन। नॉर्मली एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है प्यूरिन और पिरिमिडिन की, वो दो पाथवे के द्वारा होती है। पहली है सेलुलर पाथवे और दूसरी है साल्वेज पाथवे। सेलुलर पाथवे में शुगर और अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और साल्वेज पाथवे में जो ऑलरेडी डीएनए और आरएनए सेल में प्रेजेंट है वो जब डिग्रेड होता है तो उससे जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं उनकी रिसाइकिलिंग होती है। तो जो अमीनोप्टेरिन है हैट मीडियम में, ये सेलुलर पाथवे को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद साल्वेज पाथवे के दो मेन एंजाइम्स हैं। पहला है हाइपोजैंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेस, जिसको हम कहते हैं HGPRT, और दूसरा है थाइमिडीन काइनेज TK। HGPRT जो है वो हाइपोजैंथिन को, जो कि हैट मीडियम में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करता है गुआनिन में, और थाइमिडीन काइनेज जो है ये थाइमिडीन को कन्वर्ट करता है थाइमीन में, जिसके द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होती है। उन सेल्स में जिनमें ये दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट हैं HGPRT और TK, वही सेल्स हैट मीडियम में ग्रो करेंगे। अब माउस और ह्यूमन सेल्स को इस प्रकार सेलेक्ट किया जाता है कि दोनों सेल्स में कोई एक एंजाइम एब्सेंट हो। जैसे ह्यूमन सेल्स जो है, अगर वो HGPRT माइनस और TK प्लस है, यानी कि उसमें HGPRT नहीं है TK है, तो माउस सेल जो हम लेंगे उसमें HGPRT होगा और TK नहीं होगा। तो इनको जब हम लोग फ्यूज़ कराएंगे और इनसे जो हाइब्रिड सेल मिलेगी वो HGPRT प्लस और TK प्लस होगी, यानी कि उसमें ये दोनों एंजाइम्स होंगे और वो हैट मीडियम में ग्रो करेगी। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड ह्यूमन और माउस सेल्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनमें एक एंजाइम दोनों में एब्सेंट है। तो इस तरीके से हैट मीडियम में हम लोग जो हाइब्रिड सेल्स हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। सेल फ्यूजन के जो एडवांटेजेस हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, सेल फ्यूजन जो किया जाता है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए किया जाता है थ्रू हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। उसके बाद दूसरा इसका मेन फंक्शन है क्रोमोसोम मैपिंग। क्रोमोसोम मैपिंग में क्रोमोसोम्स पे कौन कौन सी जीन पाई जाती हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, उसका पता किया जाता है।
तीसरा है स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर डेवलपमेंट। तो कैंसर और ट्यूमर के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए भी हाइब्रिड सेल्स बनाई जाती हैं। और चौथा है स्टडी द कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उन स्टडीज़ में भी हाइब्रिड सेल्स को यूज़ किया जाता है। थैंक यू।